ब्रेक के बाद लगातार खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इधर देश के लिए बने सांसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा कि बीजेपी और केंद्र इतिहास को बदलने में लगी है। यही कारण है कि जेडीयू समेत कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं इस दौरान ललन सिंह ने सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान का पलटवार भी किया है। इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा, अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं उनका, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा में नीतीश कुमार का नाम है, तो वो राज्यपाल को क्यों नहीं बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है।